कश्मीर सफरनामे के एक न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जाएंगे श्रीनगर से आगे सोनमर्ग में और कोशिश करेंगे कि सोनमर्ग में कैंपिंग की जाए। सोनमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो श्रीनगर ले हाईवे पर है। इससे आगे आप जोजिला पास को क्रॉस करके ले एंड लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम थे गुलमर्ग में और अब हम जाएंगे गुलमर्ग से सोनमर्ग की तरफ, जो कि यहाँ से 130-140 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें कि हमें 3-4 घंटे तो आराम से ही लगने वाले हैं। हमारे साथ साथ चल रही है सिंध रिवर जो पाकिस्तान से निकलती है, नहीं पाकिस्तान को जाती है, जो कि पाकिस्तान को जाती है। ये शुरू होती है मानसरोवर से जो कि चाइना में है। नहीं नहीं, वो वहाँ पर हम नहीं गए थे। ये चाइना से शुरू होती है, तिब्बत से मतलब शुरू होती है, वो अब चाइना के अंडर है। तो वहाँ से शुरू होकर इंडिया से होकर ये फिर पाकिस्तान में जाती है और पूरे पाकिस्तान से पास आउट करती है और हमारी ब्यास, सतलुज, जेहलम, चेनाब सभी का पानी इसी में जाता है। तो अभी हम सोनमर्ग से 30 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार व्यू आ चुका है। और यहाँ पर आसपास पूरे रास्ते में अखरोट के बहुत सारे पेड़ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जस्सी ढूंढ रहा है अखरोट, पता नहीं इसे क्या है। जब से हमने अखरोटों के पेड़ देखे इसे यह है कि अखरोट मिल जाए बस। मिला कोई अखरोट? मैं देखता हूँ यार, तो वीडियो में पता नहीं गेड़े रखते हैं क्या, इल्यूजन तो नहीं हो गया? लोग नहीं, पहला पहला मैं पहला अभी पूछ रहा कितने अखरोट मिलने की खुशी। तो फाइनली हमें एक अखरोट ताजा मिल गया और ये एक ही था, इकलौता ही था जो इस पेड़ पर था, इकलौता। दिखाया था हमने अभी आपको, अब इसको तोड़कर दिखाओ, अखरोट है। हाँ, प्रूफ हो गया अखरोट है ये। अखरोट अंदर, तो ये प्रूफ हो गया कि इसी पेड़ पर लगते हैं जी अखरोट। ऐसे अंदर से हरे में से ये निकलता है, देखो कागजी नहीं लगता, ये दूसरा अखरोट जो कागजी होते हैं, आई थिंक वो बाग में उगाते हैं इकट्ठे। वो ये वो वाले अखरोट है जो किसी के सिर में मारो तो सिर फाड़ दे। एक मिनट रुक। हाँ, पूरा पका हुआ है भाई, पका हुआ है। जरूरत ही नहीं है भाई, तो मीठा भी होएगा बहुत नेचुरल। तो फाइनली यहाँ पर रुके हैं। सोनमर्ग यहाँ से रह गया है 9 किलोमीटर और कुछ खाने के लिए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ से। वैसे तो हमने सोचा था कि खुद ही बनाकर खाएंगे, बट ऐसा है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा था तो हमें ऑलरेडी ही 5 बज चुके हैं, इसलिए हमें यहीं से कुछ खाना होगा ताकि हम जाकर एक अच्छी प्लेस देखकर अपना टेंट इंस्टॉल कर सकें। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर ढाबा, इससे ज़्यादा दिए उससे भी कम। ये आगे हमारे आलू के पराठे, जेड़ा बंदा था तो घट खाना में जा देता हमें जा ठीक है। ओहो क्या बात है जी, कितने सुंदर पहाड़ है। आपको आपकी आंखों से तो इतना अच्छा नहीं देखा, पर हमारी आंखों से जो देख रहा है ना हमें पता है क्या बात है भाई। मुझे लगता है कि सोनमर्ग से ज्यादा इसका जो रास्ता है वो खूबसूरत है। जैसे ही आप ले श्रीनगर हाईवे पर आएंगे, आपके साथ साथ इंदुस रिवर चलेगी और सामने होंगे बर्फीले ऊंचे पहाड़। क्या खूबसूरत नजारा होगा। तो भाई सामने का व्यू देखिए, हम लोग सोनमर्ग में पहुंच चुके हैं और जो मेन हाईवे है वो तो ऊपर से जाता है उस तरफ से, और हमें थोड़ा सा एक साइड से उन्होंने कहा है कि इस तरफ से जाइए। और हम लोग इस रास्ते पर कुछ ना कुछ कैंपिंग साइट ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ आगे जाकर हमें मिल जाए। बाकी व्यू देखो यार, व्यू तो मतलब ज़बरदस्त,
तो सामने है पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ऊंचे बड़े बड़े पहाड़, वाह क्या नज़ारा है भाई। यहाँ पर एक है कैंपिंग साइट, बट ये शायद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो हम इनसे पूछेंगे एक बार, शायद हमारी यहाँ पर कैंपिंग हो जाए। तो यहीं पर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर लिया है, यहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए हैं कैंपिंग के लिए, तो हमारी होगी यहाँ पर कैंपिंग ऊपर। साथ में यहाँ पर पानी भी है और वॉशरूम वगैरह भी है। चलो हमने सोचा कि सोनमर्ग में ही कैंपिंग करनी है, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, लोकेशन भी अच्छी है और इन्जॉय भी अच्छा होगा। लो जी, सेटअप हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्योंकि सामने देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर है, एक दो तीन, तीन ग्लेशियर, तीन लोग हम, और जस्सी का जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं वो सभी ऐड हो चुके हैं टेंट पर। आज थोड़ी सी इनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, वैसे अच्छा है। यार थले ना ला जैसी आप अगे, यार आप अगे तो नहीं कभी थले लाइया ना। तो अब इसे ठीक कर दिया गया है, अब सही है भाई, अब ओके रिपोर्ट है। आज आपको अंदर से दिखाते हैं अच्छे से अपना टेंट। तो इतने दिन हो गए कि मैंने आपको अंदर से नहीं दिखाया टेंट। ये देखिए हमारा पूरा अच्छा अरेंजमेंट, हम लोग यहाँ पर बनाकर रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा टेंट, ये हमारे कंबल। तो अब यहाँ पर बनाएंगे रात का खाना, कुकिंग। आज क्या बनेगा? आज बनेंगे चावल, सब्जियों वाले। सब्जियाँ हैं हमारे पास सभी, गाजर है। तो आज हो सकता है कि हमें बोन फायर के चांसेस भी मिल जाएं, क्योंकि जिन लोगों की ये वाली साइट है उनसे हमने पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि रात में वहाँ पर बोन फायर होगी, तो हमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं जो भी हमारी प्लानिंग बनेगी, आप लोगों को साथ साथ में दिखाते जाएंगे। तो आज हम बनाएंगे सब्जियों वाले चावल, यानी कि पुलाव। तो सब्जियां धोकर संजू काट रहा है, हम लोग चावल साफ़ कर लेंगे और फिर सेटअप करते हैं सिलेंडर और स्टोव को। और तो यहां पर करेंगे स्टोव को सेटअप, अंधेरा हो चुका है काफ़ी। तो चावल हमारे तैयार हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% हो चले हैं, और सिलेंडर भी बस ख़त्म होने वाला है। हमारे दो सिलेंडर यूज़ हो चुके हैं, और ये हमारा दूसरा सिलेंडर है जो शायद आज हो जाएगा ख़त्म। बाकी अभी हमारे पास दो सिलेंडर और बाकी हैं, और आज हमारे चार दिन हो जाएंगे कि पाँच, आज हमारे पाँच दिन हो जाएंगे। तो ये हमारी थर्ड कैंपिंग होगी, तो ठीक है, मतलब सिलेंडर तो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। तो सामने हो रही है कैंपिंग, जो लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं कैंपिंग, और साथ में उन्होंने फायर जला ली है। तो देखते हैं, वैसे ऐसे यार उनका सभी का एक ही है ग्रुप, तो हम तो अपना खुद का अरेंजमेंट बनाकर रहेंगे वहीं पर। सो ये लीजिए मेहरबान कतदान, हमारा पुलाव रेडी है और हम कैम में बैठ चुके हैं, सेटिंग सारी कर ली है। जस्सी का घर वाले का कॉल आया इसलिए वो बाहर गया कॉल पर बात करने, तो हम अपने पुलाव खाते हैं उतनी देर। मुकल कितने डालूं? तो ये आ गए हमारे चावल, या फिर पुलाव, जो भी आप इन्हें बोल सकते हैं। तो ये हमारा 5-star होटल आज रात के लिए, मतलब 5-star से अच्छी फैसिलिटी है। हाँ, उससे भी बढ़िया है, अपना फ्रेश खाना अपने हाथ से बनाया हुआ, मतलब संजू के हाथ से बनाया हुआ। सभी ने बनाया मिलके। चलो तो चलो जी, शुरू करें फिर। शुरू किया जाए, मिलते हैं आपको एक चावल ब्रेक के बाद। और ये हमारी चाय बन रही है फिर से आज रात के लिए, और अभी पीते हैं चाय और फिर बस थोड़ा सा अपना काम कर फिर यहाँ पर सो जाएंगे। आपको अलविदा कहने का टाइम हो जाएगा। सो ये था हमारा डे 5। तो आज हो गई सोनमर्ग की कैंपिंग कंप्लीट।
तो अभी बस हम सो जाएंगे थोड़ा सा अपना डाटा वगैरह सेव कर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं आपको सुबह और दिखाते हैं सोनमर्ग के खूबसूरत व्यूज़ और आगे की हमारी क्या प्लानिंग है वो आप लोगों को इससे जो अगली वीडियो है उसमें पूरी जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।